viewers, welcome to my channel Angel Gabelle Tarots and this video I made for Sumbul और फैमान के बीच में रिश्ते कैसे रहेंगे और लेट्स सी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि आगे का फ्यूचर क्या है इन दोनों के रिलेशनशिप का। लेट्स सी एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं, एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज कर रही है इन दोनों के रिश्तों को लेकर के। मेरे आसपास जो कभी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि अभी मैं करंट सिचुएशन जानना चाहूँगी फैमान और सुम्बुल, सुम्बुल और फैमान के बीच में किस तरह के रिश्ते एट प्रेजेंट कैसे हैं, करंट सिचुएशन कैसी है। स्ट्रगल है, कार्ड गिरा है आकर के, सबसे पहला कार्ड ही स्ट्रगल का दिखा रहा है और दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रहा है एट प्रेजेंट। अगर मैं देखूँ इसमें मेहनत बहुत हो रही है रिश्ते में, लेकिन क्या है कि रिश्ता रह के भी टिक नहीं पाएगा, अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है। और थर्ड पर्सन की एंट्री की वजह से, जैसे होता है ना, कोई जना ऐसा है जो घुस घुस के देखने की कोशिश करेगा कि इनके रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है, दोनों के बीच में कुछ बातचीत हो भी रही है कि नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें वो व्यक्ति एक ही है कोई, वो जानना चाहेगा बहुत ज़्यादा और इनको पता नहीं चलेगा कि उसका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। वो व्यक्ति जैसे होता है ना, कोई कुछ लोग होते हैं जो कान भरते हैं, तो ये कोई भी हो सकता है, या तो फ्रेंड सर्कल में है, वो अलग से रीडिंग हो सकती है उसकी कि फ्रेंड सर्कल में है कौन है। लेकिन यह डेथ का कार्ड आया हुआ है, एंजल्स का मैसेज है कि पेनफुल सेपरेशन दिखा रहा है एट प्रेजेंट, सिचुएशन ठीक नहीं है, दोनों का मन कर रहा है कि छोड़ दो एक दूसरे को बस किसी तरीके से, अभी तक तो यही है। और इनके फैमिली मेंबर्स में यहाँ दिख रहा है कि द्वंद्व बहुत चल रहा है फैमिली में स्पेशली, मतलब परिवार वाले भी तैयार नहीं हैं, जो वो चाह रहे हैं वैसा वो या तो किसी के, मान लीजिए कि किसी के परिवार के, सुम्बुल के परिवार कुछ कह रहे हैं लेकिन फैमान के जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं, या फैमान के जो फैमिली मेंबर्स हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे द्वंद्व दिखा रहा है दोनों परिवारों के बीच में, इसी वजह से रिश्ता जो है टिक नहीं पा रहा है और पेनफुल सेपरेशन दिखा रहा है। मैं फ्यूचर एक बार जानना चाहूँगी, मेरे आसपास जो कभी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि फैमान और सुम्बुल के जो रिश्ते हैं फ्यूचर में कैसे रहेंगे और क्या फ्यूचर है इन दोनों के रिश्ते का। अभी तो डेथ का कार्ड है, पेनफुल सेपरेशन दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी कोई है ही नहीं कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ब्रेक दिखा रहा है। मैं फ्यूचर जानना चाहूँगी, फ्यूचर में क्या रिलेशनशिप टिकेगा, इसके लिए मैं मैसेजेस जानना चाहूँगी, प्लीज़ मुझे बताएं। मंगल का जो, मार्स का जो रिट्रोग्रेड प्लैनेट है वो हो जा रहा है, मंगल खराब होने की वजह से, शादी का कारक होता है मंगल, तो वो तो अच्छी पोजीशन पे नहीं दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश करेंगे लेकिन नहीं हो पाएगा। सुम्बुल चाहते भी हैं कि एक परिवार हो, एक परिवार हो, मतलब होता ना व्यक्ति सोचता है कि एक फैमिली हो अपने उसमें, और ये मतलब उनके साथ, फैमान के साथ, ये फ्यूचर में दिख रहा है कि ये सोचेंगी खाली उसके बारे में। मैं एक बार देखूं कि मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं। मेरे आसपास जो कई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या सुम्बुल की मैरिज, क्या शादी जो है वो फैमान से हो पाएगी। अगर हो पाएगी तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी कि नहीं हो पाएगी। नेगेटिव कार्ड है, पहला ही कार्ड नेगेटिव है, तीनों कार्ड नेगेटिव है, नहीं हो पाएगी शादी, नहीं हो पाएगी। और छोटी सी तूतू मैमे होने की वजह से, तूतू मैमे होने की वजह से चीटिंग हो जाएगी रिश्ते में। और बैक टू पवेलियन का लास्ट में कार्ड है, दैट मीन्स कि सब चीज़ें जैसे पहले थी, मतलब जैसे दोनों एक दूसरे के नहीं थे जब नहीं मिले थे, वैसी पोजीशन पे आ जाएंगे और ये चीज़ में दिख रही है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं, मैं एक बार इसका कारण भी पूछ लेती हूँ कि इसके पीछे का कारण क्या है कि दोनों नहीं मिल पाएंगे, अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो एंड दिख रहा है इनका रिश्ते में। मैं जानना चाहूँगी इसका रीज़न क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं, दोनों के रिश्ते क्यों टूट जाएंगे, प्लीज़ मुझे बताएं क्या कारण है। बर्निंग टावर का कार्ड है, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि चीज़ें हक में नहीं रहेंगी। एक होता है ना रिश्ते में, इंसान सोचता है कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग चले,
जो हमने डिसाइड किया है, जो हमने फैसले लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा रिश्ता रहे और स्टेबिलिटी रहे, वो नहीं दिख रहा है। कन्फ्यूजन्स बहुत रहेंगे रिश्ते में, कन्फ्यूज रहेंगे। और चाहे जितना लव और फेम मिल जाए, चाहेंगे तो इसमें दिख रहा है कि लव और फेम भी नहीं रहेगा, इमोशनल फील करेंगे, परेशानियाँ बहुत हैं, चिंताएँ बहुत रहेंगी रिश्ते में एक दूसरे के प्रति। जैसे होता है ना कि सोचना बहुत ज़्यादा बेवजह का, राहु का कार्ड है, राहु का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। मतलब आप समझ लीजिए कि 20 टाइप के व्यक्ति बहुत इन्वॉल्व हो जाएंगे इनके रिश्ते में। कि वो तो जैसे होता है ना, मैंने पहले बताया ना कि कान भरना, कि वो तो देखो अपने मतलब के लिए केवल है, और उधर से फैमान को भी कान भरते रहेंगे लोग, उनको ये फील होता रहेगा। राहु कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका किसी भी तरीके से आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, रिश्ते में अगर यहाँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ तो एंजल्स यही मैसेज कर रहे हैं कि राहु का प्रकोप है, कन्फ्यूजन्स बहुत रहेंगे और चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। और ये इसी की वजह से रिश्ता तो मुझे बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा, कहीं भी कुछ ऐसा अनकंडीशनल लव का या प्रेम संबंध का लवर का कार्ड नहीं आया। दैट मीन्स कि ये रिश्ता स्टॉप हो जाएगा, ये यहाँ तक इसमें दिख रहा है। तो अगर कुछ उपाय करते हैं, कुछ ऐसी रेमेडी करते हैं, तब तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दोनों की तरफ से परेशानियाँ दिख रही हैं। परिवार वाले भी तैयार नहीं होंगे फ्यूचर में, दिख रहा है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एट प्रेजेंट भी सिचुएशन वही चल रही है, और आगे भी जाकर के सिचुएशन जो है वो संभल नहीं पाएगी। दोनों के रिश्तों में अगर मैं केवल बात करूँ तो बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि रीडिंग्स में क्या आ रहा है। सो लेट्स सी, दोनों का मैं प्रोफेशनल लाइफ देखती हूँ कि आगे इसमें फैमान का काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी उनकी, वो इंडिविजुअली मैं देख लूँगी। और सुंबुल का प्रोफेशनल लाइफ का मैं कर ही चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा उसको वीडियो को, उसमें उनका प्रोफेशनल लाइफ तो अच्छा ही दिख रहा है। पर्सनल लाइफ में अभी वो एंजल्स मैसेज कर रहे थे, जैसा कि मैं उसमें देख पा रही थी कि वो अभी रिलेशनशिप में सोचेंगी तो बहुत, लेकिन एंजल्स यूनिवर्स अभी अलाउ नहीं कर रही है, ऐसे योग नहीं बन रहे हैं, जो ग्रह योग होते हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। तो लेट्स सी, जो भी देखा जाएगा। तो करियर वाइज प्रोफेशनल लाइफ तो अच्छी है, लेकिन पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब है, कोई बात नहीं। लेट्स सी, मैं फैमान का देखूंगी कि प्रोफेशनल लाइफ कैसी है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।